नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के स्थापना दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव का बुधवार शाम भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव की पहली निशा साधक बैंड की जोरदार प्रस्तुति से सरोबार हो गई और इसके बाद कथक नृत्य के कलाकारों ने अपनी मोहक अदाओं से सभी का दिल जीत लिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर इस महोत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा की आजमगढ़ महोत्सव जनपद की कला, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करने की एक बेहतरीन मंच है। सभी जनपद वासी इस महोत्सव का भरपूर आनंद लें और इसे सफल आयोजन का सहयोग करें। आजमगढ़ के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा, आजमगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर यह महोत्सव 18 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसमें स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपील किया कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए जनपदवासी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो। महोत्सव के पहले दिन शाम विजय प्यारे, विजय लक्ष्मी गुप्ता और अरुण सिंह अनाड़ी जैसे लोक गायकों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से समा बांधा। पर वही और कहरवा लोक नृत्य की प्रस्तुति अयोध्या उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के मुकेश कुमार और उनके दल ने दी। कुमकुम आदर्श की कथक नृत्य प्रस्तुति और हुनर संस्थान आजमगढ़ के कलाकारों द्वारा गणेश बंदा व महोत्सव थीम सॉन्ग पर सामूहिक नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा साधो बैंड की जोरदार प्रस्तुति से महोत्सव की शुरुआत की और भी रंगीन बना दिया। संस्कृति विकास के लिए कार्यक्रम करें, आज आजमगढ़ महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से हमारी संस्कृति? देखिए, आजमगढ़ में पौराणिक काल से इसकी एक सांस्कृतिक महत्व रहा है और यहाँ अनुसुईया माँ के 3 पुत्र दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी और दत्तात्रेय महाराज का तीनों के आश्रम रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की को आगे बढ़ाए जाने में और साधना के दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। तमसा तट पर उन्होंने तपस्या किया और तपस्वी के रूप में इस देश का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ यहाँ की हमारे बहुत बड़े कवि हरिओ साहब रहे, जिनके नाम पर योगी जी की सरकार ने यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया, हरिओ कला केंद्र। इसके साथ साथ हरिहरपुर के भीतर संगीत और कला की एक पूरी उनका एक विरासत ही रही है, उसका घराना रहा है। उस घराना के उस कला को और आगे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका एक महाविद्यालय का शुभारंभ कराई और यहाँ पर कैफी आजमी साहब, तबाना आजमी और ऐसे तमाम ऐसे राहुल संस्कृतायन साहब, ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले रहे हैं। हमारे दिलेश लाल निरौआ ने भी आजमगढ़ की पहचान फिल्मों के दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ाई है, तो उसे और विस्तार दिए जाने का ज़रूरत है और उसमें यह आजमगढ़ बहुत अपना बहुत बड़ा योगदान करता है, स्थानीय कलाकारों को उभारने का, कलाकारों को उभारने का और ग्रामीण शिल्पकारों को भी उनके शिल्प का प्रदर्शन करने का। और जो यहाँ की साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियों का एक तरीके से महत्वपूर्ण केंद्र है मुबारकपुर, तो इन सब चीज़ों को उभारने का यह एक अवसर मिलता है और पूरी आजमगढ़ की जनता के माध्यम से ये अन्य अपने पूरे प्रदेश के भीतर और देश के कोने कोने में जा पाता है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत आजमगढ़ वासियों को आजमगढ़ महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।